सीओ, कैसे हैं आप लोग? देख रहे हैं, हम दोनों निकल गए फिर से एक नया ब्रेकफास्ट राइड के लिए। आज के राइड छोटा सा होने वाला है, मगर बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि हम राइड कर पा रहे हैं बाइक। एवरी संडे मेरा काम रहता है, 7 बजे जाना पड़ता है ऑफिस। आज 9:30 बजे तक जाऊंगा तो चलेगा, इसके लिए मैं निकल गया। और आज हमारे साथ है लाजर सर, अन्ना है ओजी, बहुत पुराना राइडर है और आज पहली बार हमारे साथ ज्वाइन किया है। और एज यूजुअल बबलू भाई को बहुत मिस कर रहे हैं आज भी। और जा रहे कहाँ पर? आनंद गैलप्स जा रहे हैं आज, जहाँ पर सारे बाइकर्स आते हैं। खूब अच्छे अच्छे बाइक्स दिखने मिलेगा वहाँ पर, स्पोर्ट्स बाइक खास करके, यही इच्छा लेके जा रहे हैं। और थोड़ा बहुत नाश्ता भी कर लेंगे, ब्रेकफास्ट भी। ब्रेकफास्ट पे उतने इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, हल्का सा ठंडी लग रही है, हल्का जस्ट, मतलब प्लेजेंट भी नहीं बोल सकता हूँ। पीयूष पहले से आता तो लगभग हम लोग 30 किलोमीटर कर चुके सुबह से। वाह, क्या बड़ा बड़ा वेयर हाउस, ये नया बन गया है, ये ब्लू डॉट वगैरह का, ये तो पहले जा टोल। राइडर्स जा रहे हैं सुबह सुबह, इतना सुबह राइडर्स कौन मिलते हैं जो 350 वगैरह भगाते हैं। देखो ये 350 गए ना भगा के, ये है रॉयल इनफील्ड वाले, 80 के ऊपर जा नहीं पाते तो अभी क्या करेंगे, उसको मरोड़ के जान निकल रहा है। जो भी रॉयल इनफील्ड चलाते हैं वो 6 बजे निकलता है, और जो बाकी के गाड़ी चलाते हैं वो 7 बजे निकलता है। थोड़ा सा शॉर्ट ले लिया 360 का, ये बाजू थोड़ा ज़्यादा ठंडा लग रहा है, जितना अहमदाबाद से दूर आया हूँ मौसम बढ़िया हो गया, ठंडा हो गया, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सनराइज़ देख लीजिए, सनराइज़ फ्रॉम आनंद, बहुत नज़दीक आ गए हैं। अच्छा, ये बुलेट ट्रेन का काम हो रहा है। ओके, ये बुलेट ट्रेन का काम हो रहा है, मुंबई टू अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। और मेरा ये रास्ते पे ये दूसरी बार 500 किलोमीटर हो गया मेरा बाइक का। ये मीटर में कितना बार बदला अभी कंपनी से, थैंक गॉड ये फ्री में बदल देते, नहीं तो मेरे तो वाट लग जाती। ये क्या सीन है, सूरज टर्न गैलॉप्स,
अहमदाबाद से राइड करते हैं सब, ये गैलॉप्स फूड प्लाजा में आते हैं, तो यू टर्न मार के आना पड़ेगा ब्रिज के नीचे से। तो अभी बज रहा है 7, मैं एक वीडियो बनाना बाइक्स तो ज़्यादा आए नहीं, पर दो ऐसे ऐसे बाइक आए ना जो देखने के लिए बहुत खतरनाक है, जो एक मेरा फेवरेट है ये स्ट्रीट ट्रिपर ट्रायम का। ये ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मैं ये चला पाऊँगा और मेरे को सूट करेगा ये गाड़ी, मुझे बहुत पसंद आता है ये गाड़ी। सारे चीज़ लोड करके ही रखा है गाड़ी में। और ये दो बीस्ट, इसको तो कभी छूऊंगा भी नहीं, ये V4 पहने के लिए, और वो गाड़ी कभी चलाने की इच्छा रखता हूँ, मुझे बहुत पसंद आती है वो गाड़ी। दिया वो बाजू बैठे थे, धूप आ गए तो हम लोग ये बाजू आ गए। अभी एक एक ग्रुप है बैठे गाना गा रहा, बस हो गया, कुछ करने का था नहीं, आए पानी पिए थोड़ा बैठे। सुपर बाइक्स में 2-3 बाइक देखे हैं V4 पहने के लिए, ये भी देखा नहीं था, वो देख लिया, एकदम न्यू ब्रांड न्यू। एक आया कावासाकी H2 GJ06 बरोडा का नंबर है, एक्राफोविक लगा हुआ है। H2 इसका कलर भी बहुत क्लासी है। दूसरा आए एक ये आया F3 अगस्त MV, अभी यहाँ से ऐसा है कि बुलावर्ड करके एक रिसोर्ट है, वहाँ ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। ये उल्टा ऑटो क्यों चल रहा है, वो भी फोन लेके। ये आ गया हम लोग बुलावर्ड 9, ये वाजू यहाँ से यू टर्न मार के जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा अच्छा बाइक कार्स तो पार्क्ड है, ये मर्सिडीज का कूपे। हाँ ये सब जगह मैंने वीडियो में देखा हुआ है। बहुत अच्छा है, देखते हैं अभी कैसे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बुफे में क्या क्या है। यहाँ कुछ फ्रेश जूसेस है, मिक्स फ्रूट जूस, एक्चुअली पाइनएप्पल है, कोल्ड कॉफ़ी है, फिर ऑरेंज जूस, और यहाँ बनाना स्मूदी भी है, वेजिटेबल जूस है, ब्रेड। और ये इनका खासियत जो ओवन से फ्रेश फ्रेश मफिन्स, केक, जैम्स एंड जेलीज भी, डोनट है, तरह तरह के केक्स, कॉर्नफ्लेक्स, बनाना, और ये फ्रूट्स एकदम फ्रेश। डोसा इडली के लिए चटनी, थोड़ा फ्राइज, वड़ा, उपमा,
और इधर है परोठा, मैंने टेस्ट किया, अच्छा लगा। दही आ गया, पात्रा और सांभर है, हॉट हॉट सांभर और इडली। इडली तो मैंने खाया नहीं, बहुत सारे है वो, थोड़ा मिक्स स्पाइस्ड वाला भी है, ये गुजराती स्पेशल खाकड़ा वगैरह। और इधर है मसाला टी एंड कॉफ़ी, ये दो भी। वॉफल्स भी बन रहा है, वॉफल्स वॉफल्स मुझे खाने इच्छा नहीं है क्योंकि ये स्वीट आता है। सिरप के साथ डोसा, हेलो सर, डोसा अच्छा था, थैंक यू। ये क्या बन रहा है? उत्तपा बन रहा है, ओके। और ये भाई ने खिलाया मस्त एग फ्राई, यहाँ एग बन रहा है लाइव, आप जैसे चाहे आप बना सकते हो। ये लो एक वाइट एग, वो आपको स्पेशल बना के देंगे। और ये था बॉयल्ड एग और चिकन सॉसेज, लगभग मैंने ही ख़त्म कर दिया चिकन सॉसेज को। काफ़ी खूबसूरत जगह है, रेस्टोरेंट भी बहुत बढ़िया है। आज का ब्रेकफास्ट में चिकन सॉसेज, परोठा, एक वड़ा, रसफल और ये मसाला डोसा। और ऐसा कुछ जगह है बुलावट का रेस्टोरेंट, इस तरह से दिखता है बुफे, वहाँ बुफे लगा हुआ था। ये फटाफट ये खाता हूँ, और एक ऑमलेट का भी बोला हुआ है तो वो आ जाए, पर ब्रेकफास्ट करता हूँ। बहुत अच्छा है यहाँ पर, बहुत सुना था इस जगह के बारे में। नहीं यार, बुलावर रेस्टोरेंट में खाने आए तो यहाँ पर वेटर्स पूछ रहे लेमे करना किधर है, लेमे करना आया नहीं। एक वाइट ऑमलेट भी आ गया। हो गया रेडी हम लोग निकलने के लिए, और ये बोर्ड दिखा जहाँ हम लोग ने बाइक पार्क किया था, ऑल व्हीकल पार्क्ड एट ओनर्स रिस्क। बताओ उनका कैंपस में हम रखा हुआ है, उनके एरिया में, उनके देख रेख में होना चाहिए ना, ये हमारा रिस्क है कि हमने उनके बुलावट की पार्किंग में किया। एक नेगेटिव पॉइंट है, आप इतना बड़ा जगह, इतना बड़ा रिसोर्ट लेके बैठे हो तो आपको गारंटी देना पड़ेगा ना। हमने बाहर तो पार्क किया नहीं। अभी लगने वाली है गरम, चलो हो गया ब्रेकफास्ट, अच्छा था ब्रेकफास्ट, बहुत अच्छा था, खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा था, रेस्टोरेंट का एम्बियंस अच्छा था, उनका स्टाफ भी अच्छे थे। आप लोगों से कुछ बात करना था, जो ये कि आप लोगों को थैंक यू सो मच, मेरा जो लद्दाख सीरीज़ का वीडियोस देखे, शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वो मेरे लिए तो हिट हो गया, सब्सक्राइबर भी बढ़ा है, जो लास्ट में कल रात को देखा था 644 का आसपास था। आप लोग ने जिसने जिसने भी मेरा लद्दाख सीरीज़ का वीडियो देखा है, उन सबको थैंक यू, और थोड़ा और कोशिश कीजिएगा शेयर करने के लिए। दूसरी चीज़ है, अगर गलती से आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे थोड़ा हेल्प होगा। और एक प्लान भी ऐसा है कि जैसे आप जानते हैं कि नया हिमालयन बाइक जो है वो अभी लॉन्च होने वाला है, उसको देखा मैंने टीजर्स वीडियोस वगैरह, और देख के तो जल रही है, आप समझ रहे हो ना कहाँ जल रही है, वो मैं बोल नहीं सकता, और मगर बहुत ख़राब जल रहा है।
क्योंकि उसका जो टॉप स्पीड दिखा रहा है लगभग लगभग 150-160 तो जाता ही है। दैट मीन्स मैं अगर उसको हाईवे पे चलाऊँ 120-110 में तो एक अच्छा स्पीड मेंटेन हो सकता है, जो मुझे एक गाड़ी से मुझे एक्चुअल एक्सपेक्टेशन रहता है, ये गाड़ी नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़ जो है वो गाड़ी में बहुत अच्छा नेविगेशन दिया हुआ है जिसके लिए मोबाइल माउंट नहीं करना पड़ेगा। मैंने रिसेंटली ऑर्डर किया, मैंने इस फुल सिस्टम फ्री फ्लो एग्जॉस्ट सिस्टम, और जैसे वो अपग्रेड होता है उसके बाद मैं एक राइड रखूँगा। ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा है, फैमिली के लिए पर्सनल चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा टाइम वगैरह निकालने का। टाइम हो रहा है 8:50 और ऑन टाइम चल रहा है अभी भी। मेरे एम ए 9:30 तक मैं ऑफिस पे जाऊँ। बहुत ही बढ़िया राइड हो गया बहुत दिन बाद, पर एक बात है 15 दिन का लंबा राइड लद्दाख राइड करने के बाद ये बहुत ही चिंदी राइड लग रहा है मेरे लिए। एक फीलिंग तो आ गया है, एक प्राउडनेस या क्या बताऊँ कुछ भी बोलो, वो एक फीलिंग तो है। दूसरा एक चीज़ आपको तो मैं ब्रेकफास्ट के सब कुछ बताया, ब्रेकफास्ट का प्राइस नहीं बताया। ब्रेकफास्ट था 600 रुपीज़ पर हेड, काफ़ी महंगा था, बट मैं बोला कंटेंट के लिए थोड़ा कर लेते हैं। एक अच्छा कंटेंट भी हो गया, खाना भी। आप लोगों को थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए, कंटिन्यू सपोर्ट कीजिए। मैं जानता हूँ उतना मज़ेदार वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूँ, पर आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए और ये चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट येट, और अंटिल देन थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप वॉचिंग, यू नो द ड्रिल, डोंट स्टॉप, कीप गोइंग एंड मेक इट हैपन। बाय, सी यू सून।